नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा दोस्तों आपके लिए नया प्रेस नोट है वो NTPC को लेकर जारी किया गया है। जैसा कि आप प्रेस नोट देख पा रहे हो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से पहले, लिंक को एक्टिवेट होने से पहले आपके जो है प्रेस नोट जारी किया जाएगा, जिसमें कि आपका पूरा शेड्यूल इसमें आपको वीडियो बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं 17/12/2020 को ये प्रेस नोट है वो जारी किया गया है। अभी कुछ देर पहले ये प्रेस नोट आया है। तो दोस्तों इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो उस 5 पॉइंट को आपको समझाने वाला हूँ। इसी के साथ इसमें सारी जानकारी आपकी बताई गई है कि आपके एडमिट कार्ड कब से आएंगे, कितने दिन का गैप होने वाला है एडमिट कार्ड में और आपकी एग्जाम शेड्यूल और डेट में। इसी के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो एग्जाम है दोस्तों वो कब से कब तक चलने वाले हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं 4 रिक्वायरमेंट ऑफ बॉरियर NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। तो बॉरियर्स जो NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को लेकर ये नोटिस है वो जारी किया गया है, जिसमें कि आपको पहला पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी हेल्ड है मल्टीपल प्लेस इन ऑर्डर टू इंश्योर अटेंडेंस ऑल द COVID-19 गाइडलाइन। इसका मतलब दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो मल्टीप्लस में होने वाली, मतलब आपकी शिफ्ट में आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। और दोस्तों COVID-19 की गाइडलाइन को देखते हुए आपको COVID-19 नहीं होना चाहिए। अगर किसी को COVID-19 होता है तो वो परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा दोस्तों। इसको लेकर एक फॉर्म भी इसमें बताया गया है कि आपको एक फॉर्म है वो फिल करना होगा, जिसमें कि आपको अपनी COVID-19 ना होने की जानकारी उसमें देनी होगी। इसी के साथ दोस्तों इसमें जो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 1.25 करोड़ के आसपास जो टोटल इसमें स्टूडेंट हैं जो कि इसमें आपकी जो परीक्षा है वो देने वाले हैं, 1.5 करोड़ के आसपास इसमें स्टूडेंट हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो कि आपकी जो एग्जाम है दोस्तों 28 दिसंबर से आपके 13 जनवरी 2021 तक आपके जो एग्जाम है वो चलने वाले हैं। 15 दिन तक आपके जो एग्जाम है दोस्तों लगातार चलने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, बोलेंगे कि सर मेरे एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, उसके बारे में आपको दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, आप दूसरा पॉइंट गौर से देखिएगा। फॉर द कैंडिडेट हु आर शेड्यूल इन पार्टिकुलर पेस, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 2 पॉइंट देखे हैं। द लिंक ऑफ व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट द डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवलिंग अथॉरिटी ऑफ SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन है RRU वेबसाइट 10 डे पीरियड टू स्टार्ट द देम एग्जाम। तो दोस्तों इसमें बता दूं आपकी जो एग्जाम सिटी है और जो डेट है वो आप एग्जाम से 10 दिन पहले देख पाएंगे। इसके लिए आपको रेगुलर जो वेबसाइट पर भेंट करना होगा दोस्तों, और रेगुलर इस पर लिखना होगा, क्योंकि सिर्फ भले ही आप अपने जो जो एग्जाम सिटी और डेट है वो देख पाएंगे। मान के चलिए किसी स्टूडेंट का जो एग्जाम है दोस्तों वो 10 तारीख को एग्जाम है, तो वो 1 तारीख को ही अपने जो एग्जाम सिटी है वो देख पाएगा। और एडमिट कार्ड दोस्तों, और एडमिट कार्ड की बात करूँ तो एडमिट कार्ड आप 4 दिन पहले ही जो है डाउनलोड कर पाएंगे। मान के चलिए किसी का एग्जाम है वो 10 तारीख को है, और तो उसके जो एडमिट कार्ड है वो 6 तारीख को आएंगे, यानी कि 6 जनवरी को। इसी प्रकार मान लीजिए किसी स्टूडेंट का पहली शिफ्ट में पहले दिन एग्जाम मान लो 28 तारीख को, 28 दिसंबर को, तो उसके जो एडमिट कार्ड हैं दोस्तों वो 28 से 4 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को आएंगे दोस्तों। इसी प्रकार लेकिन आप एग्जाम सिटी जो 28 तारीख को जिन स्टूडेंट का एग्जाम होगा दोस्तों, वो अपनी एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट और कौन सी शिफ्ट में पेपर है वो आप 10 दिन पहले देख सकते हैं, यानी कि 18 तारीख को आप यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। कल से लगातार आपके चलते रहेंगे, जैसे ही आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी मैं आपको चैनल पर वीडियो बना के बता दूंगा आपको कैसे देखना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके साथ दोस्तों इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट हु इज नॉट शेड्यूल इन पेस ऑन अकॉर्डिंग टू लिंक ऑफ व्यूइंग और एग्जाम सिटी डेट मैसेज विल बी डिस्प्ले, डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल द प्रेजेंट फेस प्लीज वेट और इंटीमेट ऑफ फ्रॉम RRBS। तो अगर जिनका मान लो किसी स्टूडेंट का ऐसे लिख के आता है कि डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल द प्रेजेंट फेस, तो इसका मतलब है कि आपकी जो परीक्षा है वो आगे है, अभी आपकी एग्जाम नहीं है। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह भर देते हैं, उसके बाद ऐसे बताता है कि डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल प्रेजेंट फेस, तो इसका मतलब कि आपकी जो परीक्षा है वो आगे है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप अपनी एग्जाम से 10 दिन पहले देख सकते हैं और एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले ही देख पाते हैं। तो जैसे ही आप उसमें जो अपनी इन्फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर या जो आपको ID पासवर्ड भेजा गया उसको डालोगे, तो उसके बाद अगर ऐसे लिख के आता है दोस्तों, तो आप समझिए कि आपकी जो परीक्षा है वो आगे है, अभी नहीं है। तो आपको उसके लिए वेट करना होगा, और डेली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर वेट करते रहें या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन जिनके एडमिट कार्ड दोस्तों आते जाएंगे मैं चैनल पर वीडियो डालता जाऊंगा, डेली मैं आपको एडमिट कार्ड की वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी। अब दोस्तों इसके बाद 4th पॉइंट देख लेते हैं कि फॉरन मेड अवेलेबल ऑल RRB ऑफिशियल वेबसाइट। तो सभी जो RRB की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर फॉरगेट का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर की लिंक है वो आपको अवेलेबल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं या उनके पास नहीं होता है, तो उसके लिए फॉरगेट करने की लिंक भी आपको उसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी।
रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर है उससे आप फॉरगेट कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट और आरबी का लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट मिसहेल्ड बाई अथॉरिटी सोर्सेस ऑथेंटिक सोर्सेस। तो आपको दोस्तों इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप वेट करते रहें आरआरबी की, जैसे आपने कौन अपने एग्जाम दिया या एग्जाम आपने आवेदन किया आप उसी से आप डाउनलोड करें। इसी के साथ दोस्तों मैंने इस वीडियो भी थी कि आप सरकारी जॉब सीओ से भी आपने एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना है उसको लेकर भी मैंने चैनल पे वीडियो डाल दी है, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, सुबह मैंने वीडियो डाली थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एनटीबीसी की पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।